बूढ़ा बदहाल अस्पताल और खंडर की दहलीज पर मकान साल 1991 से ही किराए के जर्जर मकान में चल रहा मधुवन गांव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जमीन पर रखी जाती है दवाएं, न शौचालय न ही पेयजल की सही व्यवस्था। दरअसल जर्जर खपड़ैल मकान, दीवारों का साथ छोड़ चुके प्लास्टर, कच्चा फर्श और बरामदे में रखी दो चौकियां, यही है बूढ़ा बदहाल अस्पताल और खंडर होने के दहलीज पर है। करीब जाने पर मकान के एक पिलर पर टंगे बोर्ड को पढ़ने के बाद पता चलता है कि यह घर नहीं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब सरकारी अस्पताल है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के वादे और दावे के बीच दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधुवन की यह तस्वीर चौंकाती है। भवनहीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए के जर्जर मकान के एक कमरे में जैसे तैसे चल रहा है। यहाँ बुनियादी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो दीवारों से झड़ती पपड़ियाँ और धूल मिट्टी, नमी और सीलन से बदबू भी। यहाँ उपचार के नाम पर ओपीडी में कुछ दवाएं दे दी जाती है, अन्य सुविधाएं कागज में सिमट कर रह गई है। दवा रखने के लिए न फ्रिज है न ही अलमारी, मजबूरी में दवाइयां जमीन पर रखी जाती है। पक्का फर्श नहीं होने से कार्टन में रखी दवाएं सीलन के कारण खराब हो जाती है। यहाँ प्रतिनियुक्त ANM अनियमित है, न शौचालय है और न ही पेयजल की सही व्यवस्था। अब सोच सकते हैं यहाँ लोगों को कैसे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो रहा होगा। 3 दशक बीत जाने के बाद भी इन्हें अपना भवन तक नसीब नहीं हुआ। दरअसल कुशेश्वर स्थान के मधुवन की दिनमो पंचायत की करीब 10,000 आबादी उपचार के लिए इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अपने स्थापना काल वर्ष 1991 से यह किसी किराए के मकान में संचालित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए मध्य विद्यालय मधुवन में फाउंडेशन तक का काम हुआ था। ग्रामीण खुश थे कि अच्छा और अपना भवन होगा तो सुविधा में भी विस्तार होगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। लेकिन NOC नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया गया। उसके बाद से आज तक किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली। इस संबंध में पूछने पर चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतीघाट डॉक्टर आरव आनंद ने बताया कि भूमि एवं भवन निर्माण के लिए बराबर विभाग से पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर यशवंत कुमार जी, क्या समस्या है अस्पताल की? अस्पताल जैसे तैसे चल रहा है, यहाँ बुनियादी सुविधा कुछ नहीं है। एक वासुदेव महतो, एक वर्षा और जितने भी है कोई स्टाफ यहाँ नहीं आता, किसी तरह चल रहा है। लोगों को क्या दिक्कत होता है? दिक्कत तो पूरे होता है, कोई सुविधा नहीं है तो दिक्कत दिक्कत ही। इसकी और कोई पहल नहीं हो रहा है? कोई पहल नहीं, सिग्नेचर सब वहीं पर करते हैं, सब ऊपर ही ऊपरे सुपर सिग्नेचर होता है और उधरे सुधरे रह जाता है। स्टाफ बहुत है। डॉक्टर रोज आते हैं कि नहीं? हाँ, एक वासुदेव महतो और एक बरखा। यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें क्या क्या होती हैं? दिक्कतें तो बहुत है, कोई सुविधा नहीं यहाँ है। एक टाँका लगाने के लिए एक सुई नहीं है। यहाँ मरीज लोग आते हैं रोज? मरीज तो आते हैं, 50-25 रोज आते हैं, रोज मरीज आते हैं। हाँ, सब में कमी है, सबका इलाज होता है। हाँ, ना भाड़ा वाड़ा कुछ नहीं, ना यहाँ इसका। अच्छा, ये भाड़े पर चल रहा है? भाड़े पर चल रहा है? हाँ, भाड़े पर है, परंतु भाड़ा अभी तक हुआ नहीं है, नहीं मिलता है कभी, भाड़ा नहीं मिलता। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का लगभग 50-60 पहले से चल रहा है। इसी स्थिति में है? 50-60 इसी स्थिति में है। 40 वर्ष का लगभग उधर चला तो उसका जो है सो पेमेंट अभी तक हाफ किया है, हाफ बाकी है, काट करके अलग फिर इधर कर दिया है। पहले स्वास्थ्य केंद्र था, अब जो है से PAC चल रहा है, इसी में उधर वाला भी काट करके इसी में जोड़ दिया है। कोई बुनियादी सुविधा नहीं है? जी नहीं, दिक्कत होती है, जैसे तैसे अपना चल रहा है, वही गोटी और वही दवा है जो सबको मिलता है, सब बीमारी में एक ही बात है। और कोई व्यवस्था नहीं है? जी नहीं,